In the name of Allah, who is the most merciful and compassionate, the King of the Kings, the Lord of the Lords, and the Creator of all the creatures, who knows all about the hair truth in the human heart. Dear fellow students and my country parliaments, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Ahmad Safi. I'm working as freelancer. I'm working as motivational speaker. And I am a Nanda professor and I'm a journalist at Nanda Sahasi. एशिया में पूरे एशिया में लोग मुझे दो नामों से जानते हैं. दो नामों से पहला है नन्ना सहाफी, लोग मुझे बुलाते हैं बैठ. और दूसरा है नन्ना प्रोफेसर. लेकिन मैं ये राज जो है ये मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि ना मैं एक नन्ना सहाफी हूँ और ना एक प्रोफेसर हूँ, बट मेरा जो काम है, जो मैं काम कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, वो एक सहाफी और एक प्रोफेसर है. इसलिए लोग मुझे प्रोफेसर और सहाफी बुलाते हैं. एंड आई एम एन इंस्पिरेशन. मैं एक इंस्पिरेशन हूँ सहाफी और प्रोफेसर और लोगों के लिए, उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन हूँ. साथ साथ बताते चलूँ कि सहाफी और प्रोफेसर जो है ये दोनों आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी. ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए. क्यों? तो फिर मार बात है कि क्यों इम्पोर्टेंट है. प्रोफेसर जो है वो हमारी मुआशे को बनाते हैं, हमारे मुआशे को तरबियत करते हैं. और सहाफी का काम जो होता है उसकी तरबियत चुनता मुआशे को, उसकी तस्वीर जो है पूरी दुनिया को दिखाना, ये दोनों का काम है. और आजकल के दौर में ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन आप अगर हमारे मुआशे में देखें, हमारी सोसाइटी में आज किसी भी बच्चे से पूछे, या वो कहेगा कि डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट और या आर्मी ऑफिसर, इनके अलावा उनके पास कोई ड्रीम कोई आइडिया नहीं होता. लेकिन आज ये बच्चे मैं उनकी इंस्पायरेशन हूँ. और बहुत जल्द या कभी ना कभी सुनने को मिलता है कि मैं एक प्रोफेसर या एक सहाफी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन हूँ. अब बच्चा कहते हैं कि मैं एक सहाफी या एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ. उनकी उसकी एक ड्रीम बनती है. आज उसकी एक ड्रीम होती है कि मैं एक सहाफी या एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ. हर एक बच्चा भी ड्रीम करता है. दरअसल मैं कल जब मुझे बताया गया कि आपकी कल स्पीच है, आपकी यूनिट सीनियर्स में आपकी जो कल स्पीच है, तो मैंने आप लोगों की वेबसाइट खोली और वेबसाइट पे मैंने देखा, मतलब माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम करे. और वेबसाइट पे मैंने देखा कि आप लोग एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं आप लोग, जो आप लोग लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, आप लोग इंडस्ट्री पे आप लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग तो पेट्रियोटिज्म आप लोग काम कर रहे हैं. माशाल्लाह मैं बहुत इंस्पायर हुआ और उसी के हवाले से मैंने आज टॉपिक मतलब बैठ किया और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. हमारे तालीमी निजाम आजकल के 21st सेंचुरी के तकाजों के मुताबिक हमें क्या डेवलपमेंट दे रही है, क्वेश्चन बनता है. हमारी तालीमी निजाम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कॉम्पीट कर रही है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है. लेकिन मैं बताता चलूँ कि हमारा तालीमी निजाम जो है वो पुराना है, 250 साल पुराना है, 250 साल पुराना है. लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने तालीमी निजाम में, एजुकेशन में चेंज लाए, तो सबसे पहले अपने आप में चेंज लाएंगे. और हमने उसी 150 साल पहले जाना है, तब हम अपने तालीमी निजाम में चेंज लाएंगे, तब हम अपने तालीमी निजाम में तब्दीली लाएंगे. आप अगर प्राइमरी लेवल पर देखें तो बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चे स्कूल में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचते हैं तो उनकी तादाद नहीं होती क्लास में, उनकी तादाद स्कूल में नहीं होती. क्यों? ये दरमियान में बहुत बड़ा गैप क्यों बनता है? ये इंटरेस्ट के जरिए से, लेस इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही नहीं बनना. स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है. सब कॉन्टिनेंट में जब अंग्रेजों की हुकूमत आई 1830 का, 1830 का तालीम निजाम अभी भी है. सवाल करता हूँ क्या 1830 में पाकिस्तान था? क्या 1830 में पाकिस्तान था? नहीं था. तो 1830 का निजाम इधर क्या कर रहा है? तालीमी निजाम क्या कर रहा है अभी तक? हमें चाहिए कि हम इसे चेंज करें. और ये तालीमी निजाम हम क्यों चेंज नहीं करें आपको बताते चलो, तो जो है ये वही पुराना तालीमी निजाम है, अंग्रेजों का दिया हुआ. उन्होंने उनको बताया, अपने जो लोग थे उनको बताया कि इन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए इस तरह का तालीमी निजाम बनाने कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे गुलाम, हमारे नौकर रहे. उनको नौकर चाहिए थे और उन्होंने हमारे तालीमी
साथ जो है अरबी फारसी से हटाकर अंग्रेजी में कर दिया और कह दिया जिसको अंग्रेजी आती है उसको नौकरी मिलेगी। और दूसरी वक्त 10 करोड़ मुसलमान जो थे वो अन्य झुके रह गए। आजकल 16 साल तो हम तारीफ करते हैं, 16 साल तो हम सिर्फ अंग्रेजी सीखने में लगाते हैं, 16 साल हम अपनी अंग्रेजी में ही लगा देते हैं, अपने जो 16 साल अपने स्कूल के कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो हम अंग्रेजी में लगाते हैं उसको सीखने में। तो वही पुराना सिस्टम जो है अभी भी है हमारे पास। हमारा जो तालीमी निजाम है वो पाइस सिस्टम है, तबकाती निजाम है, उसे को में तकसीम हो गया। गरीब लोगों के लिए गरीब वाला तालीमी निजाम, मिडिल क्लास लोगों के लिए मिडिल वाला तालीमी निजाम, और इलीट क्लास लोगों के लिए फिर ऑक्सफोर्ड बताना ये ऊंचे ऊंचे ये इलीट क्लास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके लिए अलग एजुकेशन है। हमें चाहिए कि नया एजुकेशन और हमारी जबान में और इक्वल मिले, इक्वल एजुकेशन हर एक इंसान को, इक्वल एजुकेशन मिले, ये हर एक इंसान का राइट है, हर एक इंसान की राइट है कि उनको इक्वल एजुकेशन मिले। लेकिन हमारा तालीम निजाम पक्का ठीक निजाम वो बाइस सिस्टम है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम रट्टा गोटा नकल करते हैं, रट्टे मारते हैं, पूरा साल कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब एग्जाम्स का दौर आता है, एग्जाम्स का वक्त आता है तो ध्यान से बड़ी कठिन सर ने था वो बड़ी गाना और फिर हम क्या करते हैं, रखे लगाते हैं, गोरा लगाते हैं, फिर एग्जाम्स में हम नकल करते हैं एक दूसरे पे, या पेपर छुपाते हैं या हाथों में, कभी कई भी जगह हम पेपर छुपा लेते हैं, क्या होता है कि हाथ में चेकिंग कभी होती है कभी नहीं होती, तो हम चीटिंग करते हैं। इससे क्या हुआ, हमें डिग्री तो मिल गई, सर्टिफिकेट तो मिल गई, बाबा का शेर हमें भूल गया कि बी ए किया, नौकरी मिली, शादी हो गई, रिटायर हो गए, मर गए, ये क्या हुआ, ये क्या जिंदगी है। वही फिर वो वही कहावत बनती है कि बी ए किया फिर नौकरी मिल गई, रिटायर शायदी हो गए, रिटायर हो गए, मर गए, बस ये हमारी आजकल की जिंदगी है। और साथ साथ हम अपने इंडस्ट्रीज के बारे में बताएं कि सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में उस वक्त अंग्रेजों ने जो बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे उनके जहन में ये बात डाली कि आपके मुल्क में जो चीज बन रही है, इंडस्ट्री जो चीज भी बना रही है वो बेकार है, जिसको हम देसी बोलते हैं, देसी चीज बेकार है, लेकिन बाहर मुल्क की जो भी चीज होती है उसके हम बहुत इज्जत करते हैं, वो ब्रांडेड चीज होती है, आज भी हम फख्र महसूस करते हैं। ये किसी के पास मोबाइल होगा वो निकालेगा अपने दोस्त को बताएगा, मतलब शो ऑफ करेगा कि दाऊ बड़ा वाला हमारा लगा दिल ना रहने हम बहुत खुश होते हैं, फख्र महसूस करते हैं हम कि हमारे पास लगन का मोबाइल, या आजकल किसी भी घर पे रिश्ता आता है तो अम्मी सबसे पहले बैठ जाती है, कहती है बस हमारे भी खुश नहीं आते थे। लोग फख्र महसूस करते हैं गुलाम होते हैं, लोग फख्र महसूस करते हैं वो फायर करती फौरन में, लोग फख्र महसूस करते हैं। और ये वही अंग्रेज की ओर है, उन्होंने हमारी जो है आपसे मैं सवाल पूछ रही है, टोयोटा मर्सिडीज या होंडा सुजुकी ये सारी कंपनीज क्या है, ये यूरोप और जापान की कंपनीज और ये उनके बच्चों के नाम है। एग्जाम्पल देता चलूं कि आप लोगों का नाम नहीं लेता, खैर अपना नाम लेता हूँ, आप लोगों ने कभी सुना कि हमारे सभी बोला हाल बहुत ठंडा है, हाल को गर्म करें, आप लोगों ने कभी सुना है, सुना है कभी, आप लोगों ने कभी सुना किसी गोली राव वाला पसे गोली पड़ी पशु बसते है, कभी सुना है, आगे वाला जवाब देते रहते गोली में 15 लाख रुपए बसते 15 वाला ले, कभी सुना है नहीं ना। हम सिर्फ ये टोयोटा और सुजुकी ये उनके बच्चों के नाम है, उन्होंने ये इजाद किया तो उनकी चीज ब्रांडेड हुई। उस जिनको गुरु योशिदम लेना शुरू तो तूने ना पहले था पोस्ट को या ची एसी हायर एसी जो भी हो हम बोलते हैं जापान है, जापान की होती है फिर हम बोलते हैं जबरदस्त असली चीज है इसको मान ये नंबर वन चीज है, लेकिन मेरी पाकिस्तान ये बेकार चीज है, ये नहीं चलेगी, दो दिन की है या एक दिन की होती ये नहीं चलती कर, ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। उस वक्त अंग्रेजों ने उस वक्त हमारे दिमाग में ये बात डाली थी और आज भी अभी भी इसी वक्त भी हमारे दिमाग में ही होगा। हमने अपने तालीम निजाम से क्या माना है कि बस तालीम करो, 16वीं तालीम हासिल करो, पीएचडी करो और नौकरी मिली, हम नौकरी के पीछे भागते हैं। आज भी हम किसी भी घर में अगर दादी या अम्मी से पूछ ले थोड़े तालीम सुनना जरूरी है, तालीम तालीम चुको सब हम कभी लाएगी वो सुया तालीम का वाच नौकरी तक कभी लाएगी कोई अच्छी नौकरी मिली। हर एक इंसान नौकरी की सोचता है, क्यों उस वक्त जो अंग्रेजों को खुराक चाहिए
रही थे उस वक्त 1857 में, तो उन लोगों ने ऐसा तालीमी निजाम बनाया कि आज भी है और हम नौकरपंथी आ रहे हैं। हम सिर्फ तालीम करते हैं और कहते हैं नौकरपंथी है, ये भी बहुत बुरी बात है। हम नौकरी के लिए तालीम हासिल करते हैं। आप देखिए पाकिस्तान दुनिया में, आप लोगों थोड़ी सी बताइएगा, मैं बहुत पूछूंगा कि आप में से कितने लोग हैं पहचानते हैं पाकिस्तान 7 नंबर में पूरी दुनिया में कि अच्छे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बना रहे। थोड़ी सी पता है किन लोगों को पता है? चंद एक दो तीन लोगों को पता है। अपने मुल्क के बारे में भी लोग नहीं जानते। हमारी हिस्ट्री जो है हम नहीं जानते बिल्कुल क्या हमारी हिस्ट्री में क्या था, लेकिन जो हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानते उसकी ज्योग्राफी नहीं होती और वहां के नहीं पढ़ती, वो मतलब डेवलपमेंट नहीं कर रहा। कुछ लोगों को पता है कि पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर इंजीनियर और साइंटिस्ट बना रहे, लेकिन हमने लीडर्स नहीं बनाए। बात करूं कि यूरोप में जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं वो वहां पे तलाश करते तुरंत अपने कंप्यूटर्स के जरिया कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग लीडरशिप की क्वालिटीज है, कुछ वो उनको ढूंढते फिर और उनमें फिर उसे फंड देते हैं और कहते हैं कि ये फंड आपने जाके गरीबों को दे दें, उनके लिए स्कूल खोलें, उनको और भी तरीके से कहते हैं बेहतरीन लीडर क्या होते हैं। बेहतरीन लीडर एक बात है मोहतर आलिया फरमाते के बेहतरीन लीडर कौन है जिसकी निकाह बुलंद सोते लवाद जा सोच, यही है रखते सफल वीर कारोबार के लिए जिसकी सोच बड़ी हो, जिसकी सोच बुलंद हो, जिसकी सोच बुलंद हो, जिसकी सोच बड़ी हो, उसके आस पास जो फ्रेंड होंगे पॉजिटिव फ्रेंड होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। और अगर मैं इसी मौके पर ये बात कहूँ कि दीगर बार राज आए थे नए फकीर बार आए थे नए दोबारा मेरी तरह राज जाने वाले आए या नए लेकिन फकीर दोबारा नहीं आएंगे, ये भी सच बात है। पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी अब तक आप लोगों की जिसकी उम्मत अल्लाह ने कभी नहीं बनाई, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इस जैसी उम्मत अल्लाह ने कभी नहीं बनाई और यही उम्मत है। आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ कि कितने इकबाल के दो रास्ते ना, मतलब उन्होंने दो ख्वाब देखे थे, पहला ख्वाब था कि पाकिस्तान बनाएगा, उन्होंने लीडर भी पैगंबर बनाया और पाकिस्तान उनका पहला ख्वाब था कि पाकिस्तान बनेगा। कोई मुझे बता सकता है कि उनका दूसरा ख्वाब क्या था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि दूसरा ख्वाब क्या था इकबाल रहमत अल्लाह अलैह का? कोई भी नहीं जानता। उनका दूसरा ख्वाब यह था कि आने वाले दौर में वो इस उम्मत की बात करें, इस नस्ल की बात करें, ये नस्ल मुझे दोबारा जिंदा करेगी। अब आप लोग कह रहे हो कि दोबारा कैसे जिंदा होगा? वो तो मर चुका है, वो दोबारा कैसे जिंदा होंगे? हम उनके खराब को उठाए एक अंग्रेज इकबाल के बारे में कहते हैं कि वो अपने तौर के आदमी थे, इकबाल रहमत अल्लाह अलैह जो थे अपने तौर के आदमी थे, उन्होंने जो भी करना था अपने दौर में वो कर चुके हैं। वो अपने दौर से आने वाले दौर के आदमी इस 21st सेंचुरी की वो बात कर रहे हैं कि इस दौर के आदमी थे और वो अपने दौर के जंग के हालत में जंग के हालत में थे। एक अंग्रेज कहता है कि आज इसी 21st सेंचुरी में ये सेंचुरी चेंजिंग सेंचुरी है, इसमें हमने तब्दीली लानी है, लेकिन आप अगर तब्दीली लाना चाहते हो सबसे पहले अपनी सोच में अपने आप में तब्दीली लाओ, फिर आपको दूसरा बंदा देखेगा वो चेंज होगा, फिर आपको तीसरा फिर से सोसाइटी ऐसे फिर एक गाँव फिर एक शहर फिर एक सुबह फिर एक मुल्क फिर पूरी दुनिया चेंज होगी। अंग्रेज कहता है कि आज 21st सेंचुरी में एक बार चिंता होता तो पूरी दुनिया उसके हाथ में होती, एक बार बदलाने के हाथ में पूरी दुनिया होती। हम आज भी मतलब फखर महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, किस मकसद के लिए बना, और हम हर खराब काम पाकिस्तान में करते हैं, हम पाकिस्तान के पीछे बुरी बातें करते हैं। अमेरिका की बात करूं कि वहां पे आजादी तो है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ किसी को भी अमेरिका के खिलाफ जो भी आदमी बात करे अमेरिका उसको गिरफ्तार किया जाता है, अमेरिका के खिलाफ उस कंट्री के या ये हमारा हमसाया हिंदुस्तान उसके अंदर भी उस कंट्री के खिलाफ कोई बात करे वो भी नहीं बचता, लेकिन हमारी कंट्री में हम कहते हैं हमारा चली पाकिस्तान में, हम हर एक बात पाकिस्तान के पीछे कहते हैं और फिर कहते हैं जबरदस्त चली पाकिस्तान में। एक आदमी है वो पाकिस्तान के पिशावर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा है, वो चिंगम खाता है उस गम को गिराते हैं, चिंगम को भी गिराता है, वो बिस्किट खाते हैं उस बिस्किट के रैपर को गिराते हैं, लेकिन वही कथा जब सऊदी अरेबिया या बैर मुल्कों में जाते हैं वहां के एयरपोर्ट में खड़ा होते हैं तो मुसलमान खड़ा होता है और कुछ भी नहीं करता, मुसलमान सीधे लाइन में खड़े होते हैं और ना लाइन से आगे जाकर निकल जाते हैं आगे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमें चाहिए कि यकीन कर
पैदा करे, काफिर को तलाए फरमा के यकीन पैदा करे काफिर के मखलूक है गुमान क्यों है, ये काफिर अपने अंदर की जो यकीन है अपने खुद ही बिल्ड करो, यकीन पैदा करो अपने आप में, जो अपने अंदर की जो यकीन है वो अपने आप में बिल्ड करो, पैदा करो उस यकीन को, फिर आवाज होता है एक स्टेज लेंगे आप उसका दर्द की तरफ। और लीडरशिप की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मैं कहना चाहूंगा जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी एक लीडरशिप की क्वालिटीज है, लेकिन साथ साथ बताना चलूं कि हम इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ पैदा कर रहे हैं लेकिन हम बेस्ट लीडर्स नहीं पैदा कर रहे हैं। कायदा जुस्तीपुर सुल्तान के बाद हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था, उसके बाद हमने एक बेहतरीन लीडर नहीं पैदा किए, और अगर लीडर आते हैं तो क्रिकेट के मैदानों से हमारे पास लीडर्स आते हैं। डेमोक्रेसी का क्या मतलब, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट होती है हुकूमत वो लोगों के लिए और लोगों की तरफ से, लेकिन हमारे नीचे सतह पर लोग अच्छे नहीं है, हमारे नीचे सतह पर लोगों को सही राइट्स नहीं मिल रहे, तालीम सही नहीं मिल रही, वो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और यह वही वो पुराने नौकरी के पीछे लगे वो सारे सलामत में पड़े अंधेरे में पड़े, तो हमारे हुकूमत खाक क्या ठीक होंगे, हमारे हुकूमत खाक क्या पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हमारे हुकूमत भी उसकी तरह होंगे, जिस तरह हमारा मुआश है उसकी तरह हमारे हुक्मरान भी है, कोई चीज उसमें बिल्कुल भी करप्शन है सब कुछ हमारे मुल्क में है, तो पाकिस्तान की जो सक्सेस उसके लिए हम काम नहीं कर रहे। और जिस तरह के हमारे होस्ट ने बात की कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करें, तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताता चलूं कि जो मेरी जिंदगी का पहला रूल जो था एक कहते हैं कि बी थैंकफुल, शुक्र अदा करें, तो मैं शुक्र अदा कर, जब मेरे पास कुछ नहीं था मैंने तब शुक्र अदा किया, आज मेरे पास थोड़ा कुछ है आज भी मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, आगे जाकर मेरे पास जो कुछ भी होगा अगर सब कुछ भी हो तब भी मैं शुक्र गुजारूंगा अल्लाह से। आई हैव टू बी थैंकफुल, आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर माय अल्लाह, आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर माय मर्सीफुल एंड माइटी अल्लाह, टू नो ऑल अबाउट द इनर फोर्स इन द ह्यूमन अर्थ, आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर यू। और दूसरी जो रूल थी मैंने जो अपनी जिंदगी में लाई, दैट आई थॉट इन माय लाइफ एंड दैट इज सर्जरी, और जो काम भी करें उसे फिर से करें, खलूस से करें, सच्चे दिल से करें, फिर से नहीं, देखिए हम फिर से काम शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, दिल का स्ट्रगल कहते हैं वो करते हैं, और आगे जाकर जब हमारा आधा सक्सेस पूरी हो जाती है और हम दिल थक जाते हैं, हमारा हम थक जाते हैं, कहते हैं यार उछड़ यार उछड़ यार, हम छोड़ देते हैं उसको, दरमियान में ही हम उसे छोड़ देते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं सच्चे दिल से करें और उसको पूरा करें, सिंसेरिटी का मतलब क्या है, सिंसेरिटी के दो मतलब है, दो किस्म है, पहला है जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी कामयाबी है, जो भी आपका मिशन है उसे सही करो, और दूसरा है उसको मुकम्मल करो। सही कैसे करो, उसमें कोई गलती ना हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, नुकसान ना हो, दूसरे लोगों के लिए नुकसान ना हो, उसमें दूसरे लोगों के लिए फवायद हो, फायदे मिले दूसरे लोगों के लिए, और दूसरे मुकम्मल करे आखिरी हद तक उसे पहुंच जाए। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फेलियर कब होती है आप कोई बता सकते हैं कि जिंदगी में इंसान सबसे फेल सबसे ज्यादा फेल कब होता है, कोई बता सकता है? सॉरी, हार मान जाता है, गुड, लेकिन मैं साथ बताता चलूं कि जिंदगी में इंसान जो है जिंदगी में वो तब सबसे ज्यादा फेल हो जाता है जब उसको कामयाबी मिल जाती है, जब भी आप लोग सोच रहे होंगे कि कामयाबी तो मिल गई फिर कैसे फेल हुआ, कामयाबी मिल गई, कामयाबी ऐसी चीज है जो कभी नहीं मिलेगी, वो कामयाब हुआ तो उसकी अपनी मेहनत वो बंद हो गई, उसकी जो मेहनत थी उसके जो लर्निंग थी वो सब कुछ बंद हो गया, बस हो गया मैं तो कामयाब होगा मुझे अपनी ड्रीम अपना भी सकता हूँ। यही वो मौका होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेल करता है। तो हजार मैं आखिर में चूंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, लोग ज्यादा है, हमारे एक और साथी मौजूद है वो भी अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे, हम भी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरह लेक्चर डिलीवर करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझसे अच्छा करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है, वो मुझे उम्र में भी बहुत ज्यादा है। पूरे पाकिस्तान में देखिए जो पुलिस की जो थोड़ी कुछ महीने पहले वो एक प्रोग्राम हुआ कि सारी जो पुलिस थी वो बदल गई,
गई, आज मेरे हिसाब से वो चेंज हो गए। तो मैं यहाँ सर पंजाब पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, पेशावर की जो पुलिस है, आई जी है, जो बेहतरीन है, उनसे आप सीखिए। लेकिन पुलिस वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी पंजाब के पुलिस से सीखिए। हम टीम वर्क करेंगे। एक एग्जाम्पल दो, मेरे दो जूते ये मेरे काम के, लेकिन एक जूता मैं हटा दूंगी, एक जूता किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है जूता। ये जूते जो है हमें टीम वर्क की एग्जाम्पल देते हैं, हमें चाहिए कि हम सिर्फ मैं ना करके मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये तो बुखी की निकाल कि मैं ज्यादा जिक्र किया और थोड़ा बहुत इकबाल को मैंने भी कोशिश की है पढ़ाओ, तो उसमें से एक शेर जो कभी वो खास समझ में नहीं आता था उसको, हालांकि हमारे एक जुनून बैंड ने कवर भी किया, आज मुझे उसका मतलब समझ में आ गया। जिगर से वो फिर पार्क है जवानों को पीरों का उस्ताद, तो मच लर्निंग फॉर मी एज वेल इन दिस शॉर्ट सेशन। मैंने चार बातें अपने पास नोट की हैं, ये पेज अल्लाह के लिए मेरे पास है तो मैं इसको ख्याल रखूंगा। बी थैंकफुल, जो काम भी करें खुलूस से करें, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है ये हमारे हर एज ग्रुप के लिए, और इस 10 साल के बच्चे ने उसको इस दौर में समझ लिया है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये बच्चा कहाँ जाएगा और इंशाल्लाह इसकी वजह से ये मुल्क कहाँ जाएगा। और फिर मैं और की बजाय हम, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, बड़े बड़े फिलोसफर्स जो है वो इसको विन विन का नाम देते हैं, कोलेबोरेशन का नाम देते हैं, सिनर्जी का नाम देते हैं, लेकिन इसको इस बकरी की मिसाल से इतने सादा अल्फाज में समझाना, दिस वॉज वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू। और आखिरी बात, यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्टिविटी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि वाकई सिर्फ एक गुमराही है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो विद दिस थैंक यू सो मच हमार वंस अगेन। I would request President Youth and Said, Mr. Furqan Aziz, आप प्लीज इनको इनकी शील्ड दे दें और फिर उसके बाद आगे के बारे में करता हूँ। Huge round of applause to you. This much not and शुक्रिया।
हाँ।